Bro, I don't play like God, bro. I'm just learning. हंटर वाइट लव फ्रॉम कोलकाता, लव फ्रॉम इंडिया। भाई क्या सीन है, चिटोमैन का वीडियो देखा? हाँ मैंने देखा, आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है चलो, आपने पूछ लिया, मैं आपको बताता हूँ। पबजी मोबाइल ने हमें सीधा एक मेल डाला कि यू आर बिन टीम एक्स हैज बिन इन्वाइटेड टू पीएमसी ऑफ ऑल स्प्लिट। मैंने उस मेल से, जब मेरी न्यू टीम बनी, मैंने बस एक पूछा था, नॉर्मल क्वेश्चन एज अ प्लेयर। मैंने ऐसा पूछा कि कैन वी आर वी इन द इन्वाइटेड सेक्शन बिकॉज ऑल ऑफ आर प्लेयर्स आर फ्रॉम द पीएमसी ऑफ ऑल स्प्लिट रीजनल फाइनल्स एंड वी हैव बीन इन द विनिंग टीम एंड एज वेल एज द रनर्स अप टीम। तो उन्होंने बोला था कि वी लेट यू नो, बस इतना उसका गया, कुछ रिप्लाई नहीं। सिर्फ जब इन्वाइटेड टीम्स का लिस्ट है उसमें हमारा नाम इन्वाइटेड टीम्स के साथ आ गया। अब इसमें आप बताओ हमारी इसमें क्या गलती है भाई, इसको इतना बड़ा इशू क्रिएट कर रहे, इनका स्लॉट नहीं मिला, इनको क्वालिफाई नहीं किया। भाई अगर हम डिजर्विंग नहीं होते मेरे भाई, पबजी मोबाइल हमें स्लॉट नहीं देता। और दूसरी चीज़, हमें अगर स्लॉट मिला, हम परफॉर्म कर रहे हैं मेरे भाई, हम लोग 16th या फिर टॉप 10 के बाहर। एनए में जब Cloud9 को इनवाइट मिला है मेरे भाई पीएमसीओ खेलने का, तो वहां पे क्या गलत हुआ बताओ, आप ही बताओ। एनए में अगर Cloud9 खेल रहे ना मेरे भाई, पर इंडिया में इतना क्यों इशू? भाई आप अगर इतना परफेक्ट हो रहे, आप 8 होते क्वालिफायर्स पे, आप ऐसे नहीं चल करते। आपने अगर देखा होगा LEFP, जो अभी MX है करंट #2 टॉप बेस्ट असोल्टर्स ऑफ इंडिया, उन लोग भी तो अंडर रेटेड था ना, कोई MX को नहीं जानता था। अब उन लोग देखो यार क्या परफॉर्म कर रही है टीम MX। फर्स्ट बजट टू मोबाइल गेमर्स शाउट आउट ब्रो। है द बेसिस व्हाट चीटोमैन इज सेइंग आउट देयर गाइस, कम ऑन। मैं सिर्फ आपको मैं इज्जत करता हूँ, हर प्लेयर के ग्रोथ को मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं रिप्लाई कर रहा हूँ उनके लिए, ना कि चीटोमैन को। बस आप लोग के सामने आंसर मैंने दे दिया है, सो प्लीज देख लो।